फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा क्षेत्र में बीती शाम भाजपा प्रत्याशी धनेश अदलखा के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। जनसभा में पहुंचने पर सीएम धामी का मंच पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस जनसभा में भारी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरांचल के लोगों के अलावा सभी वर्ग के लोगों को संबोधित किया। सीएम धामी ने भाजपा प्रत्याशी के हक में कमल का बटन दबाने की अपील की और कहा कि आगामी 8 तारीख को जब चुनाव मशीन खुले तो कमल ही कमल निकलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा उम्मीदवार को काम करने का अनुभव है, इसीलिए जनता से उन्हें मौका देने की अपील की। उस कार्यक्रम के त्रिपूर्ण होने के पहले आने के बावजूद भी आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, मुझे पूरा विश्वास है, मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहा कि धनेश अदलखा जी, इनका बोर्ड भी है आपको और सपोर्ट भी है, और जीतने के बाद 5 तारीख तक आप सब लोग इनके लिए जागते रहिए। युवा है, नौजवान है, इनको काम करने का अनुभव है, इनको एक मौका दीजिए, ये आपके सारे कामों को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सब से इतना ही निवेदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए, कमल के फूल वाला बटन 5 तारीख को आप सबको प्रातः काल से दबाना है, दबवाना है, और अपने जानने वालों से, पहचानने वालों से, सारे लोगों से कहना है कि वो बटन शाम को 5 बजे तक इतना दबा दीजिए कि बटन अंदर चला जाए, और 8 तारीख को जब सवेरे 8 बजे मतगणना प्रारंभ हो तभी वो बटन बाहर निकले, और बटन बाहर निकलते ही निकलते ईवीएम मशीन से कमल ही कमल निकले, कमल की लड़िया ही लड़िया निकले, कमल की लड़िया ही लड़िया, कमल की झड़िया ही झड़िया। उससे पहले ही दीपावली से पहले एक दीपावली आपके यहाँ होगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, आप सबको विकास समृद्धि के मार्ग पर आगे ले जाएगी, फरीदाबाद को भी आगे ले जाएगी, हरियाणा को भी आगे ले जाएगी, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी ताकत प्रदान होगी। भाइयों बहनों, इतना ही आप सबका निवेदन करते हुए उत्तराखंड के जो भी भाई बहन यहाँ रहते हैं, वैसे तो हमेशा से भाजपा का समर्थन करते हैं, हमेशा से भाजपा को वोट देते हैं, चाहे कोई चुनाव, छोटा सा छोटा चुनाव भी होगा तो हर एक उत्तराखंडवासी भाजपा के साथ खड़ा होगा। इस चुनाव में भी मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप सब वोटर बनकर भी और साथ में सपोर्टर बनकर भी धनेश अदलखा जी को, और जहाँ जहाँ भी हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन सभी को अपना समर्थन दें, उन सभी को अपना आशीर्वाद दें। वहीं इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खासकर उत्तराखंड वासियों से भाजपा के समर्थन में वोट करने की अपील की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।